ट्रिप जिसमें हम पूरा भारत अपनी कार में घूमने वाले हैं। इसमें हम शिवपुरी से 250 किलोमीटर ड्राइव करके आज पहुंच जाएंगे खजुराहो। Oh, how easy it's to forget, still thinking about how we met. Yeah, I'm with you now. Oh, one thing that it's plain to see. मनोज तिवारी जी आए थे, खाना खा के गए हैं शर्मा जी ढाबा पे। शर्मा जी ढाबा पे मंगाना पड़ा और मजबूरी, ये सब तो बहाने हैं। दिल में तो लड्डू फूट रहे हैं। लड्डू नहीं फूट रहे हैं तो क्यों खोल रहे हैं? वापस भेज देंगे तो दो। पोटा लाइट क्यों लिखा है इस पे? ये तो छोटा छोटा ही होता जा रहा है। पता नहीं कैमरा निकलेगा अंदर की, बस मेमोरी कार्ड निकल जाएगा। पॉकेट, इट्स अ पॉकेट। तब कोई तुम्हारी पॉकेट मारेगा तो कौन सी वाली मारेगा? आज हम लोग ब्लॉग कर रहे हैं नए ऑस्मो पॉकेट 3 से। लेट अस नो कि फुटेज कैसी लग रही है। पहले इतना बड़ा बैग लेकर के मैं घूमता था, इसमें नया वाला जो कैमरा है वो सब है, और अब ये छोटू सा बैग हो गया है। पहले इतना बड़ा बैग होता था और अब सिर्फ इतना। कहाँ गया इतना? तुम्हारे इस बड़े बैग में क्या होता था? इसमें तो वैसे भी कुछ नहीं है। तुम क्या जानो क्या क्या कैरी करना पड़ता है? खजुराहो एक छोटा सा शहर है। हमारा होटल मेन मार्केट में ही था और सारे टूरिस्ट प्लेसेस आसपास ही हैं। बड़ी बड़ी उसमें 20 किलो की, 30 किलो की मछली भी, 40 किलो तक की मछली। 40 किलो की मछली? 40 किलो की मछली। ये जगह का क्या नाम है? ये इस जगह का नाम है, अरे वो नाम भूल गया। इसमें 40 किलो की मछलियां हैं, उनको 5 किलो बिस्किट और खिला दो, मेरी जितनी हो जाएंगी। खजुराहो टेम्पल्स में एंट्री के लिए टिकट लगता है जो आपको सिर्फ ऑनलाइन ही मिलेगा। पर मेरा मन तो बहुत है कि हम गाइड लें, बट मुझे लग रहा है कि 2000 रुपये पूरा दिन लग जाएगा। वो 2000 रुपये? देखो आप हमें थोड़ा सा घुमा देना, मेन मेन चीज़ें हैं, मैं 1000 दे सकता हूँ। बताओ फाइनेंस मिनिस्टर, ये 1000 कर दीजिए, हम फटाफट निकले। फाइनेंस मिनिस्टर वैसे मैं ही हूँ। खजुराहो, ये चूँकि ये शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, खजू और प्लस राहो। खजू मिस डेट और राह मिस रास्ता, वे टू गो। ये जो मंदिर है आपकी 9-12 AD के बीच में, ये T5 मंदिरों का निर्माण चंदेल राजपूत राजाओं के द्वारा खजुराहो में किया गया था। कि सारे के सारे मंदिर इंटरलॉकिंग है। इसको आप जैसे ऊपर उठा लेंगे, फिर ब्लॉक बाई ब्लॉक करके पूरे मंदिर को आप डिसमेंटल कर सकते हैं बिना एक भी मंदिर की मूर्ति को तोड़े। पूरा मंदिर इंटरलॉक होकर के बना हुआ है, तो जैसे यहाँ पर ये मूर्ति है, अगर इस मूर्ति को निकाल दोगे तो इस तरीके से होल्स बचते हैं वहाँ पर। खजुराहो का जो इंटैक्ट और वेल प्रिजर्व कोई मंदिर है खजुराहो का, तो ये आपके सामने है। लक्ष्मण मंदिर के नाम से ये जाना जाता है, लेकिन लक्ष्मण से आपके दिमाग में आएगा राम के छोटे भाई, उनका कोई संबंध या कोई लेना देना इस मंदिर से नहीं है। जिस चंदेल राजा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया, उनका सेकेंड नेम, निक नेम था लक्ष्मण देववर्मन, तो राजा के नाम पे उस मंदिर को नाम दिया गया लक्ष्मण टेम्पल। मंदिर जो है भगवान वैकुंठ विष्णु को डेडिकेट है। देखिए ये एक्चुअली जीवन का हिस्सा दिखाया जाए, ये जो कपल देख रहे हैं कि रूटना बनाना जीवन का हिस्सा है, वो दूसरे रूटना बना रहे हैं, लेकिन थोड़ा आगे चल के आएंगे ना तो ज़्यादा कुछ खटपट हो गई, देखिए उनके गाल फूले हुए मुँह भी दूसरी तरफ है, वो एक दूसरे की बात ही सुन रहे हैं। अब वहीं कहीं मूर्ति आपको एरोटिक भी मिलेगी। जैसे सुबह से हम आप लोग उठते तो क्या करते हैं? अंगड़ाई लेते हैं, राइट। ये देखिए योनिंग करती हुई, स्ट्रेचिंग करती हुई अगला ही रही है। हाँ। ये नहाने के पश्चात बालों को निचोड़ रही है। हाँ। लेकिन गौर कीजिए, लग रहा है आपको किस मूर्ति खराब हो, मूर्ति खराब नहीं है मैम,
पानी की बूंदों को दिखाया गया है। इसे वाटर ड्रॉपलेट्स नहाने के पश्चात उसने कपड़े से नहीं पोछा बॉडी को। अरे वाह, पानी की बूंदों को दिखाया गया, इसलिए मैंने कहा थोड़ा ध्यान दिया। इसके बगल में आंख बंद है, होंठों पे हल्की सी मुस्कुराहट, हाथ में पेपर और पेन, अ डीप थिंकिंग, केवल सोच रही है, लिखना चालू नहीं किया, क्या लिखे क्या ना लिखे, पर ये असमंजस में। सेकंड स्टेप देखिए, सूट एपिसोड बैग ऑर्नामेंट गारमेंट, सी इज राइटिंग अ लेटर बट हाइडिंग मैनर, छुपा के लिख रही है। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है लेटर कौन सा लिख रहा है, ये महत्वपूर्ण है कि लेटर लिखते हुए दिखाया गया है, वो भी 1100 वर्ष पुराने मंदिरों में। तो ये बता रहा है कि उसमें जो महिलाएं थी वेल एजुकेटेड लिटरेसी थी, और जब महिलाएं पढ़ी लिखी रही होंगी हमारा कल्चर कितना रिच भाई रहा होगा, वो इस मंदिरों पर आप देख सकते हैं। इनके कपड़ों पे जो डिज़ाइन है वो तक यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएंगे, साड़ी के डिज़ाइन है ये। नेचुरल लाइट के अलावा कोई आर्टिफिशियल लाइट है अंदर? नहीं, केवल मंदिर की गर्भगृह की जो प्रतिमा है भगवान दक्षिण विष्णु पे, उस पर आपको रोशनी मिलेगी, दाएं बाएं पूरा अंधेरा मिलेगा आपको। ये सब काट दिया गया है ना, उसमें पूजा होती है अभी भी, इसमें मूर्तियां खंडित तो हैं, इसमें पूजा नहीं होती है। ये मॉन्यूमेंट रह गए हैं, ये अभी भी मंदिर है। वेलकम टू खजुराहो। आप खजुराहो आओ तो गाइड जरूर लेना, बिना गाइड के आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ क्या है। और इतनी सारी जो स्टोरीज हैं, जो शिल्पकारों ने इतना बारीक नक्काशी का काम किया और उसकी जो फाइन डिटेल्स हैं वो आप देख ही नहीं पाओगे। तो अगर खजुराहो आ रहे हो तो गाइड करना ही है, नहीं तो फिर मत ही आओ। जे या नीट की फिजिक्स पढ़ने में समझने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मेरे कोर्सेज ले सकते हो, मुझे और उनकी कलरफुल पीडीएफ्स एकदम फ्री है। तो इस पूरे फिजिक्स का जो कोर्स है उसमें मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कलरफुल ग्राफिक्स बनाए हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए वो ज़रूरी होता है, और सारी की सारी पीडीएफ्स एकदम फ्री है। तो अभी के अभी उनको डाउनलोड कर लो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। फ्री जस्ट लाइक दिस डॉगी। डेंजर भी हो सकते हैं ना वो? डेंजर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ज्यादा जोर से कर देते तो टूट तो नहीं जाएगा वो? मैंने कुछ नहीं होगा। मैंने कॉल किया कि गेस्ट आ रहे हैं बुलंदर थाली के लिए स्पेशली, तो मैं केवल आपके लिए आया हूँ। मैं जैसे बैगन भरता, रोस्टेड बैगन भरता, जैसे पालक की आलू पालक, मिक्स दाल, कड़ी पकौड़ा एंड मेथी की भाजी एंड दिस इज महेरी, यू कैन से कट राइस। महेरी 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 दिस इज महेरी। ओके, बुंदेलखंडी पर महेरी एंड जैसे थड़ूला थड़ूला ये भाई उड़द की दाल एंड चावल के आटे का बनता है। अच्छा, एंड जैसे मैं बिरला की पूड़ी, यू कैन से मिस्सी। अच्छा, मिस्सी 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 हो गया। ये क्या चीज़ है? एंड जैसे मठा, यू कैन से छाछ। अच्छा, सबसे पहले हम ये खाने वाले हैं क्योंकि हमें पता नहीं है क्या चीज़ है, जैसे ही खाएंगे फिर ये बताएंगे हमें। चूरमे का लड्डू और उसमें सौंठ है, ये इसमें बेसन है। साउंड एंड लाइट शो, वीडियो कैमराज आर नॉट अलाउड। देशज नृत्य नाट गायन एवं वादन केंद्रीय केंद्रित समारोह जो कि 10 दिसंबर को है और आज की तारीख है 11। बंद है?
कितनी बजे? 5 बजे। यहाँ पर एक थिएटर है जहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि ये परफॉर्मेंस आज हो सकता है, लेकिन वो 1.5 किलोमीटर दूर है और अब हमें आलस आ गया, हम थक गए और हम खड़े होके होप कर रहे हैं कि कोई ऑटो यहाँ हमें आके उठा ले जाए। ट्रैक्टर आया, ट्रैक्टर से चलोगी? कैसे भी चल सकते हैं, बैठ जाए क्या? आगे चल रहे हो क्या भैया? छोड़ दो हमें, भैया ने छोड़ ही दिया, जाओ हट। इलेवन मोर मिनट्स टू गो। NVR जो कि है PVR का भाई, क्योंकि इन्होंने उनका लोगो तक ढाप लिया है। टाइमिंग है 7 to 8 PM, 6:05 बज रही है अभी। 6 भी नहीं बजे, 7 बजे का शो है और यहाँ पे हमारे अलावा कोई नहीं है, हम यहाँ बैठे रहेंगे। ऑटो मिल जाएगा तो ऑटो से चल लेंगे, नहीं मिला तो तुम यहीं रुकना, मैं तो जा रहा हूँ। हमें ऑटो मिल तो गया पर वो शेयरिंग ऑटो था, उसने हमको अलग ही जगह पे छोड़ दिया है। अभी भी हमें वॉक करके जाना पड़ेगा। आपका ब्लॉग बहुत परफेक्ट है भाई, प्लीज जो भी देखता है सब्सक्राइब करें, और भाई मतलब मजेदार ब्लॉग है, प्लीज प्लीज देखो। थैंक यू सो मच। तो कार के ऊपर ब्रांडिंग करवाने का देखो फायदा तो है। हम आ गए हैं कार में, ना चाहते हुए मेरी इच्छा के खिलाफ हो रहा है ये काम। कार में आ गए भाई, हम कार में। ऐसी गलियों में फंस जाते हैं पतली पतली, इसलिए कार लेने में खून चूस जाता है। आगे तो गूगल मैप में सड़क ही खत्म हो गई है। हम आ गए हैं फिर से, कल्चरल प्रोग्राम चल रहा है, 2 टिकट दे देंगे। 350 की निकली है, काफी एक्सपेंसिव है यार। हम तो बीच से ही निकल के वापस आ गए, ऊपर से हम तो 2 बार 3 बार इतना चल के पैदल और जूझ जूझ करके पहुंचे। मुझे थोड़ा सा दुख है कि हमने कल वाला बड़ा कल्चरल परफॉर्मेंस मिस कर दिया, आई थिंक वो बहुत अच्छा होता, एंड ये यहाँ पे डेली होता है, बट आई थिंक इट्स नॉट वैल्यू फॉर मनी, इट्स ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव। 350 का एक टिकट था और उसके हिसाब से उसका लेवल बहुत ही अच्छा होना चाहिए था, जो कि नहीं था। तो अब हम जा रहे हैं वापस होटल, एंड कल अब हम निकलेंगे सुबह सुबह थोड़े से मार्केट्स देखने। गुड मॉर्निंग, क्या आपको पीछे सनराइज दिख रहा है? दिख रहा है। You feel me misunderstood, say what's the remedy? We'd be like minded if we could, but that's not the case. Oh, oh, the wind will turn, don't be concerned. Oh, I can learn. Perfect. When we end the sighting games, and we don't pull them both ways, we can do it, we will do it, and we will do it. Dekhna hai ki kya ab ye khul chuka hai. अभी खुल चुका है, टिकट लगेगा? हाँ। कहाँ से लेना है? वीडियो अलाउड नहीं है, यहीं से बंद कर दूँ? मेरा नाम आज से पल्लव बे है। ये एक हाथी है और ये दुनिया का सबसे पतला हाथी है, इसने ज्यादा डाइटिंग कर ली। एग्जीबिशन हॉल में वीडियो लेना मना है, इसलिए बाथरूम में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये बहुत ही अच्छी एग्जीबिशन है, सारी बहुत सुंदर सुंदर एग्जीबिट्स हैं यहाँ पे। अगर आपको आर्ट पसंद है तो आप यहाँ पे जरूर आएं, 1 से 1.5 घंटा इसको देखने में आपको लगेगा।
एक सेक्शन में आर्टवर्क आपको देखने को मिलेगा, किस तरीके की पेंटिंग्स बनाई जाती थी, म्यूजिक का किस तरीके से इन्फ्लुएंस होता है कल्चर पे, और दूसरा इनका रहन सहन कैसा था, पूरा का पूरा विलेज बना दिया है। सेक्शन टू में अलग अलग तरीके के बड़े बड़े से घर हैं, आप उसमें अंदर जा कर के देख सकते हो, अलग ही फीलिंग आ जाती है वहाँ पर। और सब कुछ अभी तो एकदम 6 महीने पुराना ही है, वो नया नया बना था, वेल मेंटेन्ड। और नेक्स्ट हम जा रहे हैं खजुराहो से जबलपुर। जी हाँ बहनों भाइयों, अब बेड़ा जल प्रपात, बेड़ा घाट धुआंधार जल प्रपात सब देखेंगे। आज हम आपको मिलवाना चाहेंगे हमारे ड्रोन क्रैशिंग एक्सपर्ट से। चौथी बार हो गया है, लेकिन ये ड्रोन इतना जबरदस्त है, टकराया और जमीन पे नहीं गिरा, गिरते गिरते वो संभल गया, वो हवा में ही था, फिर तो खड़ा कुछ तो दिखा था। और अभी इसमें देखो यहाँ पर निशान दिख रहे हैं, किसी पेड़ से टकराया है, तो उसका किसी पेड़ के ऊपर टकराया, हमें लगा ये ऊपर ही फंस जाएगा, तो उतारेंगे कैसे चप्पल फेंक फेंक के मारना पड़ता है उसको, गिराना पड़ता है, और चप्पल भी फंस जाती है। मेरे दिमाग में तो मैंने पेड़ भी चढ़ लिया था। मजा सा अभी यही इस नए जहां का, देखो जरा ट्रक पलट गया, आगे रास्ता बंद है सुबह से। जबलपुर का कोई और रास्ता है क्या? बहुत दूर पड़ जाएगा, आप एक बार देख लो, हमने जाके नहीं बता रहे कि। चलो थैंक यू। हमें पता चला है कि आगे बहुत लंबा जाम है, जो कि अभी धीरे धीरे टुक 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 चलने लगा है। अब पता नहीं कहाँ तक जाके देखे, तो हम ड्रोन से उड़ा करके देख के आएंगे। बैटमैन फ्लाई। ये इस पे स्क्रैचेस है, स्क्रैचेस दिख रहे हैं, ये घिसटा है, एक तो इससे टकराया है और इससे टक्कर हुई है आगे वाले ट्रक की। आपने हमें कैसे खोजा? हम आपको इंस्टा पे जुड़े हैं, हम आपको फॉलो किए हैं। अरे जबरदस्त, थैंक यू, थैंक वेलकम। खजुराहो गए थे ना आप? हाँ। हमने अभी वीडियो देखा है आपका। अच्छा हाँ। थैंक यू यार, बंदर हमारी बातें सुन रहा है एकदम ध्यान से, जैसे इसको सब समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, ठीक है सर, बाय 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 बाय। नया नया सा आए मजा सा अभी यही इस नए जहां का, देखो जरा है दिल में नई सी चाल। हम लोग खजुराहो में सेम रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे थे। बस साहिल का प्लान मुझे बहुत सही लगा, 6 महीने जम के मेहनत करो, काम करो, जो भी आप काम कर रहे हो उसके बाद निकल जाओ 10 दिन के रोड ट्रिप पर, उससे फिर अगले 6 महीने के लिए बैटरी चार्ज हो जाती है। ऑलराइट, सी यू, बाय। आगाजी लाती उमंगी नहीं, साथ बेचैन सी सांसे भी, दिखाई है ऐसी दिले हिम्मत से कभी नजरें ना फेरी, कभी दुआ सा कभी सजा सा, धुआ धुआ सा कभी लगे कभी लगे हवा सा, नहीं पता नया नया सा। थैंक यू। इस नए जहां का